नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम 2023 पार्ट वन इस एग्जाम में सौ सवाल थे लेकिन uh, मैं यहाँ पर पहले दस सवाल सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि एक साथ सौ सवाल करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद्लीस थ्री फ्रेंड्स और वॉट्स ग्रुप्स एज गुरु दक्षिणा सो क्वेश्चन नंबर वन मैच दिद रिस्पेक्टिव कॉम्पोजिशन इन दी अर्थ तो कौन सा एलिमेंट अर्थ के मेंटल में कितना है इसके बारे में सवाल है ऑक्सीजन सिलिकॉन, मैग्नीशियम और फेरस और फिर एक कॉम्पोजिशन लिखा है ये हम जान लें कि अर्थ का जो मेंटल है वो मिडिल लेयर है और वहां पे कई सारे एलिमेंट्स अपने ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं तो जब भी एलिमेंट ऑक्साइड के फॉर्म में तो सिलिकॉन भी ऑक्साइड के फॉर्म में मैग्नीशियम भी ऑक्साइड के फॉर्म में और फेरस भी ऑक्साइड के फॉर्म में तो हर हालत में ऑक्सीजन तो उसमें होगा ही तो सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो होता है ऑक्सीजन तो फोर पॉइंट एट परसेंट बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तो ए एक ऑप्शन है जिसमें कि वन को ए से मिला है ओ को ए से मिला है और बाकी किसी भी ऑप्शन में वन को ए से नहीं मिला है तो ए ही सही उत्तर है इसी तरह से हम जब भी इस तरह से मैच द तो होता है ठीक तो है और ये क्वेश्चन इस जगह से उठाया गया है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप देख लीजिएगा मैं यहाँ दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा ठीक है विच वन ऑफ बिलो बिलो मैंक्टीरिया कौन सा ऐसा अंजाम देने में कैटलाइज नहीं करता है भाग नहीं लेता है तो फेरोस है या फेरोटिलस है या गैलोनी है यह सभी आयरन से जुड़े बैक्टीरिया सभी आयरन को ऑक्सीडाइज करते हैं जो डी सल्फियो विब्रियो है ना

ऑप्शन uh, है जो पक्का है कि सी जो है उसको फोर से मिलाया जाएगा क्योंकि क्योटो सॉरी बी जो है उसको फोर से मिलाया जाएगा क्योंकि प्रोटोकॉल जो ओजोन सब्सटेंसेस को आउट करने के लिए हुआ था वो उन्नीस सौ सतासी में हुआ था तो बी है ऑप्शन ए सो मॉन्ट्रिलोटोकॉलटी सेवन बी है आठ दो uh, में हुआ था जब यह हुआ था तो मैंने जस्ट ट्वेल्थ पास किया था तो मुझे याद है और मैंने uh, मैंने तब बी एस सी फर्स्ट ईयर में जस्ट एडमिशन लिया था इन्वाजमेंट में तो ये तो सबमिट मुझे याद है सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर एरोजॉल्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन ओरिजिन कोई भी हो सकते हैं ये वो एरोजोल है जो ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन सेटाइल ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन से बनते हैं तो इनका साइज से कोई लेना देना नहीं है लोएस पार्टिकल वो होता है लोयस जो है वो लोएस एक तरह का प्लेन होता है तो एक तरह की मिट्टी होती है तो वो भी नहीं ये भी ओरिजिन से लेना देना है साइज से नहीं जो जीरो पॉइंट टू माइक्रोमीटर में और वाटर वेपर के होता है तो इन दोनों में ही भारी भूमिका निभाते हैं क्योंकि छोटे पार्टिकल होते हैं और एकदम छोटा पार्टिकल होता है उसके इर्द गिर्द वाटर वेपर कंडेंस करता है और फिर वो बढ़ते 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 बड़ा हो जाता है ठीक है तो एटकिन पार्टिकल्स आर ऑफ साइज जीरो पॉइंट टू माइक्रोमीटर एंड लेस and they are important in cloud formation and fog formation answer b which statement is correct number kaun sa sahi hai the high temperature of plasma and absence of oxygen are the major advantages of the icpes kyunki ye pehla hi statement sahi hai aur puch raha hai kaun sa statement sahi hai kisi ek ko chunna hai to a is the correct answer और इसका answer मुझे कहां से मिला तो एक किताब है Environmental Chemistry by A.K. के डेन उसमें पेज नंबर 307 307 पर जाइएगा तो लिखा हुआ है पैराग्राफ में द हाई टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा एंड ऑफ एपसू आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ ओवर द फ्लेम इन दिन एन स्पेक्ट्रोमीटर तो ये है पेज नंबर तीन सौ सात इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बाई ए के डी ठीक है और ये भी इस इस क्वेश्चन से रिलेटेड और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये किताब मैं इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको देख सकते हैं आंसर ए है क्वेश्चन नंबर सिक्स

आखिरी पैराग्राफ है उस आखिरी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन दिस इज अनदर मल्टी एलिमेंट एनालिसिस टेक्निक पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक पर्टिकुलेट मैटर ये एक्सरे फ्लोरस के बारे में कहा गया है उस किताब के पेज नंबर 307 में ठीक है अगला सवाल तो इसका उत्तर भी होगा बी विच गैस इज नॉट यूज एज अ कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी तो गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सी गैस का इस्तेमाल नहीं होता है कैरियर गैस के रूप में आर्गन का भी इस्तेमाल होता है हीलियम का भी इस्तेमाल होता है और नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल होता है जो नहीं इस्तेमाल होता है वो डी नियोन क्वेश्चन नंबर एट वट टाइप ऑफ डिटेक्टर इज मोस्टली सुटेबल डिटरमाइनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग गैस क्रमोटोग्राफी ये बहुत ही आसान सवाल है फ्लेम आयोनाइेशन डिटेक्टर आराम से इसको गूगल कर लीजिए यही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियाणा क्योंकि हरियाणा का एग्जाम था तो इन्होंने हरियाणा के बारे में भी एक क्वेश्चन डाला है हरियाणा हैज फोर पॉइंट फोर टू मिलियन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया तो सही है और यहाँ पर एक चीज याद रखें कि वन स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू वन हंड्रेड हेक्टेयर तो अगर स्क्वायर किलोमीटर में आपको एरिया पता है तो उसको एक सौ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हेक्टेयर में आ जाएगा आंसर विच इज फोर पॉइंट फोर टू मिलियन फिर हरियाणा हैजन पॉइंट एट परसेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री ये सही नहीं है क्योंकि हरियाणा का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो देश का वन पॉइंट थ्री समथिंग परसेंट है इससे कम है ठीक है एज पर सेंसूडेशन ऑफ हरियाणा ये भी सही है क्योंकि दो हजार ग्यारह का बारह साल पहले हुआ था तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन हरियाणा की ढाई करोड़ ही थी उसके अलावा महर्षि वेद व्यास रोट महाभारत इन हरियाणा महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में लिखा गया था तो वो कौन हरियाणा में ही था वो तो आंसर है डी वन थ्री एंड फोर टू सही नहीं है वन थ्री और फोर सही ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन एक्स वाई ठीक है अब एक्स वाई के, के, के बाद क्या आएगा जी और फिर से एबीसी शुरू हो करेंगे ए बी सी डी एफ सात तो यहाँ पांच का गैप था यहाँ छह का गैप है तो यहाँ सात का गैप होगा तो आंसर आएगा जी एच तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए आज के लिए इतना ही आशा करती हूँ जो आज हमने डिस्कस किया आप उससे सहमत होंगे अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं और आपकी और कोई शंका है या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए क्योंकि उस पर यूजीसी नेट इनवाटल साइंस के पेपर टू और यूजीसी नेट के पेपर वन के लिए प्रैक्टिस हैं जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं आप सबकी सहायता के लिए थैंक यू जय हिंद जय भारत